ताहिरा सैयद को मोहब्बतें लेट डूबी। वो दोनों सही महीनों में लव बर्ड्स थे। 80 की दिहाई में शायद ही कोई जोड़ा ताहिरा सैयद और नईम बुखारी जैसा हसीन और शानदार था। शफाफ रंगत, खूबसूरत नए नक्श, लंबी सुराहीदार गर्दन, रेशम जैसे बाल, ताहिरा सैयद अगर औरतों की हीर थी तो नईम बुखारी भी किसी रांझे से कम न थे। कहा जाता है कि इंतहाई हैंडसम और शरारत से भरपूर आंखों के मालिक नईम भरी महफिल लूट लेने की सलाहियत से मालामाल थे। तो फिर ये कैसे मुमकिन था कि ताहिरा इन मुस्कुराती आंखों की असीर न होती। वैसे भी हीर रांझा की रिवायती कहानी के बरक्स तकदीर में दोनों का मिलन लिखा जा चुका था। इसीलिए तो ताहिरा ने सीनियर कैम्ब्रिज के बाद ग्रेजुएशन की तो कुरा निकला के वकालत पास करनी है। उधर नईम भी एलएलबी कर चुके थे और मारूफ कानूनदान एसएम जफर के पास जूनियर वकील की हैसियत से काम कर रहे थे, जो ताहिरा की बहनोई थी। ताहिरा भी कानून की डिग्री हासिल करने के बाद बहनोई की लॉ फर्म जा पहुंची। नईम के बरक्स ताहिरा उस वक्त तक गुलकारा की हैसियत से एक शनाख्त रखती थी। ये आलम शौक का देखा ना जाए और पल पल बही जाना हो जिंदे। रेडियो और पीटीवी के प्रोड्यूसर्स ताहिरा से गाना गवाने के लिए महीनों इंतजार करते। उन्होंने फिल्म के लिए भी गाया मगर जल्द ही उकता गए। म्यूजिक वैसे भी ताहिरा का शौक नहीं था, दरअसल बहन भाइयों में छोटी होने की वजह से वही अम्मी के हत्थे चढ़ी। ताहिरा की वालिदा कोई मामूली औरत नहीं, अपने वक्त की नामवर क्लासिकल गायिका मलिका पुखराज थी। ताहिरा उन्हें एक सख्त माँ कहती है जिनके अपने उसूल और जाब्ते थे। उन्होंने कहा कि गाना है तो ये गाने लगी, बल्कि इतना सुर में गाती कि समा बांध देती। अगरचे ताहिरा बचपन में ही काबू में आ गई थी लेकिन उन्होंने मनमानियां भी की, अपनी मर्जी से दोस्त बनाए, बागों में खेली और अपनी पसंद से लॉ भी किया। अगर ताहिरा सैयद की गुलकारी को एक तरफ रख दिया जाए तो आम जिंदगी में एक बिल्कुल मुख्तलिफ लड़की थी, मोहब्बत करने और मोहब्बत बांटने वाली, जैसे उस दौर की लड़कियों को खामखा किसी पर क्रश हो जाता था। ताहिरा को भी क्रश हुआ था, पहले भारतीय अदाकार विनोद खन्ना पर और फिर पाकिस्तानी एक्टर मोहम्मद अली पर। इनकी पसंद ऐसी ही थी, सबसे अलग थलग, जबकि इस जमाने में ज्यादातर लड़कियां चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की दीवानी थी। खैर, जब ताहिरा ने एसएम जफर का लॉ ऑफिस ज्वाइन किया तो नईम बुखारी भी इन्हें इसलिए अच्छे लगे कि इनमें मर्दाना वजाहत इन्हीं मर्दों जैसी थी, जिस किस्म के मर्दों पर ताहिरा को अक्सर क्रश हो जाया करता था। फिर नईम बुखारी का सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी अच्छा था और गुफ्तगू का फन भी जानते थे। चंद महीनों दोस्ती रही और फिर दोनों ने इस रिश्ते को एक मजबूत बंधन में बांधने का फैसला कर लिया। अब तो ताहिरा सोचती है कि एक जुआ ही था जिसे वो जीती भी है और हारी भी। ताहिरा सैयद और नईम बुखारी की उम्रों में तकरीबन 12 बरस का फर्क था, लेकिन दोनों के दोस्त जानते हैं कि 15 साल मैरिड लाइफ में फर्क कभी हायल नहीं हुआ, बल्कि दोनों को ये शादी इतनी रास आई कि इसके बाद दोनों ने अपने अपने करियर का उरूज देखा। जहां ताहिरा सैयद की गुलकारी की धूम थी, वहीं नईम बुखारी भी एक कामयाब वकील और हरदिल अजीज टीवी होस्ट की तौर पर अपनी शनाख्त बना चुके थे। दो इंतहाई खूबसूरत बच्चों किरण और हसनैन के बाद तो लोग इनकी किस्मत पर रश्क करने लगे। अब ताहिरा की मोहब्बतों का दायरा वसी हो गया था। मनपसंद शौहर, दो प्यारे से बच्चे, पुरसाइश घर, शोहरत, स्टेटस, ये सब कुछ देखकर लगता था कि जिंदगी ताहिरा पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। फिर इस हैप्पीली मैरिड कपल को आखिर किसकी नजर लग गई कि घर बिखरा बिखरा सा नजर आने लगा। ताहिरा डिस्टर्ब रहने लगी। पहले दोनों इकट्ठे पार्टीज वगैरह में जाते, अब ताहिरा अकेली दोस्तों के साथ हैंग आउट करती नजर आती और नईम बुखारी भी खामोश हो गए। दोनों के करीबी दोस्त जानते हैं कि किस तरह दोनों एक दूसरे को स्पेस देने लगे थे। वजह कुछ भी रही हो, ताहिरा सैयद की बढ़ती हुई मसरूफियात, कोई खुफिया अफेयर या पर्सनैलिटी क्लैश, लेकिन दोनों ही इस वजह को दूर करने में नाकाम रहे और यूं 15 वर्षों पर मुहित मोहब्बतों का सफर जिस खूबसूरती से शुरू हुआ था उतनी ही खूबसूरती के साथ अपने अंजाम को पहुँच गया। नईम ने न सिर्फ किरण और हसनैन को माँ के पास रहने दिया, बल्कि दोनों ने तय किया कि वो एक दूसरे के बारे में कभी भी और कहीं भी कोई मनफी बात नहीं करेंगे और दोनों ने इस वादे का पास किया। ताहिरा ने इस दौरान किनेट कॉलेज में एडमिशन भी लिया। वो अंग्रेजी में मास्टर्स करना चाहती थी मगर उन्हें वो अधूरा छोड़ना पड़ा। उन्होंने अगरचे सिंगल पेरेंट की हैसियत से बच्चों को पाला, इसके बावजूद इनके बच्चों की शख्सियत में कोई कमी नजर नहीं आती। किरण तो कुछ अरसा मॉडलिंग के शोबे से वाबस्ता रही, ताहम आज वो दोनों अपने फादर की तरह कामयाब वकील है। किरण न्यूयॉर्क जबकि हसनैन मस्कत में सेटल्ड है और ताहिरा सैयद की गुज़िश्ता चंद बरसों से ये रूटीन है कि वो गर्मियों में न्यूयॉर्क और सर्दियों में मस्कत चली जाती है। वो अक्सर कहती है कि इतना मैंने अपने बच्चों का बचपन एंजॉय नहीं किया जितना बच्चों के बच्चों का बचपन एंजॉय करती हूँ। लेकिन इतनी मोहब्बतों और एहसास करने वाले रिश्तों के दरमियान एक भरपूर जिंदगी गुजारने के बावजूद ताहिरा सैयद कहती हैं कि उन्हें कभी कभी अफसोस होता है कि वो थोड़ी समझदारी से काम लेती तो जिंदगी में कुछ गलत ना होता। नईम बुखारी से अलहदगी के बाद ताहिरा सैयद ने दोबारा शादी नहीं की। अलबत्ता नईम बुखारी ने सन 1995 में शादी कर ली थी। दूसरी बीवी से नईम बुखारी की दो बेटियां नूर जैनब और नूर फातिमा, जबकि एक बेटा अब्बास है। बकौल ताहिरा सैयद, नईम जब चाहे अपने बच्चों से मिल सकते हैं, मैंने कभी एतराज नहीं किया, लेकिन मेरे साथ वो दोस्ती का रिश्ता भी नहीं निभा सके। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।